जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर प्रोफेसर सलमान सलीम, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जफरवाल कैंपस। डियर स्टूडेंट्स, आइए टुडे वी विल डिस्कस एनर्जी कंजर्वेशन इन SHM चैप्टर नंबर 7 पार्ट 1 फिजिक्स। स्टूडेंट्स, हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, उसका डिस्प्लेसमेंट, उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एनर्जी रिलेशन ड्यूरिंग SHM। जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है तो उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी, उसकी दो किस्में हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, उनके दरमियान क्या रिलेशन रहता है, हमने आज ये स्टडी करना है। मीन पोजीशन पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर, या एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, हमने लिखा है, इसके पहले डिफाइन करेंगे, द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेंस कंजर्वड इन SHM। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के दौरान जो जो रिलेशन है वो यही होगा कि इन दोनों का सम हमेशा कंजर्व्ड रहेगा ड्यूरिंग SHM। इसके लिए हमने लेट किया है, लेट अस कंसीडर अ हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम प्लेस्ड ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। इसके लिए हमने एक टेबल हॉरिजॉन्टल लिया जो फ्रिक्शनलेस था, उसके ऊपर हमने मास स्प्रिंग सिस्टम रखा, आप देख सकते हैं। व्हेन वी डिस्प्लेस इट फ्रॉम द मीन पोजिशन, जब हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे और टेक इट एट एक्सट्रीम पोजीशन, स्लाइटली हम डिस्प्लेस करेंगे ताकि इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो, तो जब हम इसको छोड़ देंगे तो ये इनर्शिया की वजह से यहाँ मीन पोजीशन पे नहीं रुक पाएगा, बल्कि इससे आगे टुवर्ड द अनदर एक्सट्रीम पोजीशन चला जाएगा। ये क्यों मूव करता है मीन पोजीशन की तरफ, ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। हमने जो फोर्स इसके ऊपर अप्लाई की, हमने इसके ऊपर वर्क किया, ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में मास स्प्रिंग सिस्टम में स्टोर हो जाता है, जो कि रिस्टोरिंग फोर्स का काम करता है। जैसे डियर स्टूडेंट्स, आपने सिंपल पेंडुलम के टॉपिक में देखा, हमने रिस्टोरिंग फोर्स जो था उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मास का mg साइन थीटा लिया था। आइए अब एनर्जी रिलेशन के लिए हम इसकी डेरिवेशन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इनिशियली जो जब डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो होगा तो इसके ऊपर क्या फोर्स लगेगी, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो जो फोर्स होगी वो भी जीरो होगी। बट व्हेन वी डिस्प्लेस इट स्लाइटली देन F2 इज इक्वल टू kx अकॉर्डिंग टू हुक्स ला के मुताबिक ये फोर्स होगी F2 इज इक्वल टू kx, जब हम इसको डिस्प्लेसमेंट x मूव करवा देंगे। चूंकि आप जानते हैं फोर्थ चैप्टर में हमने पढ़ा, जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है या इलास्टिक स्प्रिंग जो होता है, इलास्टिक स्प्रिंग की जो फोर्स होती है इलास्टिक फील्ड के अंदर, इसकी फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होती है। तो हमने जब वर्क निकालना है इसके अंदर, तो वर्क का फार्मूला W इज इक्वल टू F.D हम यूज नहीं कर सकते फॉर द वेरिएबल फोर्स। सो हम इसकी एवरेज निकालेंगे, एवरेज फोर्स निकालेंगे, फिर हम वर्क का फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जब हमने इसको x तक मूव करवाया डिस्प्लेसमेंट x, तो हमने लिख दी F2 इज इक्वल टू kx। तो एवरेज निकालेंगे हम फोर्स की, इसलिए क्योंकि ये सेम नहीं है। आप जब इनिशियली मूव करवाना शुरू करते हैं तो आसानी से आप मूव करवा रहे हैं थोड़ी फोर्स लगाने से, लेकिन जो जो आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाता है तो आपको इसको मूव करवाने के लिए, डिस्प्लेसमेंट कवर करवाने के लिए फोर्स भी ज्यादा लगवानी पड़ेगी ऑब्वियसली। सो द फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, सो वी टेक द मीन। हम मीन लेंगे, तो मीन लेने का जो फार्मूला है डियर स्टूडेंट्स, वो होगा इनिशियल फोर्स प्लस फाइनल फोर्स डिवाइड बाय 2। तो इनिशियली हम जानते हैं कि इनिशियली फोर्स इसके ऊपर कितनी है, 0 प्लस kx डिवाइड बाय 2। तो एवरेज फोर्स डियर स्टूडेंट्स इसकी आ गई हाफ kx। चलें अब हम वर्क निकालते हैं, तो वी नो दैट वर्क का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू FAV.x, जो डिस्प्लेसमेंट हमने कवर करवाना है वो x है। तो एवरेज फोर्स और x ये हमें दे देंगे रिलेशन वर्क के लिए। तो W इज इक्वल टू हाफ kx.x, तो W इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर।
तो डियर स्टूडेंट ये जो वर्क किया है हमने इसके ऊपर, इसको डिस्प्लेसमेंट एक्स तक मूव करवाने के लिए, आपको पता है कि ये स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर हो जाता है। सो वी कैन राइट लाइक दिस, वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो एनर्जी होगी ये एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम होगी एट डिस्प्लेसमेंट एक्स। Now we check the potential energy at the mean position and extreme position. At mean position students, mean position के ऊपर आप जानते हैं energy जो होती है वो पहले डिस्प्लेसमेंट हम इसको बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन के ऊपर x इज इक्वल टू जीरो है तो हम इसमें पुट कर देंगे पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन के ऊपर इज इक्वल टू हाफ के इंटू जीरो का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये जीरो आ जाएगी मीन पोजीशन के ऊपर एनर्जी। आप जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफाइन ही पोटेंशियल एनर्जी की ये है, द एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट से जब डिस्प्लेसमेंट ही जीरो होगा यानी कि बॉडी मीन पोजीशन पर ही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो ही होगी विच वी हैव कैलकुलेटेड। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे एट एक्सट्रीम पोजीशन। डियर स्टूडेंट्स एट एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर एक्स इज इक्वल टू हम एक्स नॉट पुट करेंगे क्योंकि द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन इज एम्पलीट्यूड विच इज इक्वल टू एक्स नॉट, तो हम यहाँ एक्स नॉट पुट करेंगे। तो आइए पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम इज इक्वल टू हाफ के इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी यही हो जाएगी पी एक्स टी हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी। मीन पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी निकली जीरो और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। तो आइए आगे हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे एट मीन पोजीशन एंड एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ एम वी स्क्वायर। ये जो v है दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एस एच एम। वो बॉडी जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है तो वेलोसिटी उसकी क्या होती है ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स में। सिंपल पेंडुलम से लॉस्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्स नॉट k ओवर m 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हम वेलोसिटी की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू हाफ m इंटू एक्स नॉट स्टूडेंट्स ये एम एम से कैंसिल कर देंगे के एक्स नॉट स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये आ गई इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। तो डियर स्टूडेंट्स हम मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर फाइंड करेंगे। तो एट मीन पोजीशन आप जानते हैं कि मीन पोजीशन के ऊपर x इज इक्वल टू जीरो, तो x की जगह पे जीरो पुट करेंगे
हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर इंटू वन माइनस जीरो ओवर एक्स नॉट. तो वी नो दैट जीरो ओवर समथिंग जीरो, वन माइनस जीरो वन आ जाएगा, तो वन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यही आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी मीन इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर. नाउ वी विल कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एट द एक्सट्रीम पोजिशन. तो एक्सट्रीम पोजिशन के ऊपर एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पुट करेंगे, तो एक्स नॉट पुट किया जाएगा तो क्या बन जाएगा रिलेशन, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स नॉट स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर. स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो जाएगा, वन आ जाएगा, वन माइनस वन जीरो, तो जीरो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजिशन के ऊपर जीरो आ जाएगी. तो डियर स्टूडेंट्स हमने देखा कि मीन पोजिशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, जीरो, लेकिन मीन पोजिशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर. इसी तरह एक्सट्रीम पोजिशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर थी लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो. यानी कि जो टोटल एनर्जी होती है अगर आप इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को जमा करें तो टोटल एनर्जी आ जाएगी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर. यानी कि टोटल एनर्जी सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर रहती है. लेकिन एक बात ध्यान से सुन लीजिए स्टूडेंट्स, जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है ये इक्वल किस पॉइंट के ऊपर होगी, या कि बुक के अंदर पॉइंट नहीं दिया गया. काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जो इक्वल होंगी वो मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के मिड पॉइंट के ऊपर होंगी. जी ठीक है, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा. नेक्स्ट लेक्चर तक दीजिए मुझे इजाजत. अल्लाह हाफिज़.